हाय फ्रेंड, मैं हूँ आमना खान। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कुक विद आमना। उम्मीद करती हूँ आप बहुत अच्छे होंगे, मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज हम बनाने जा रहे हैं आलू मटर की तहरी। सर्दियों का सबसे अच्छा खाना आलू मटर की तहरी, आप एक बार ज़रूर ट्राई करें। चलो रेसिपी की तरफ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने 1.25 किलो चावल ले लिया है, लगभग 3 ग्लास चावल ले लिया है, और हमने 2-3 मीडियम साइज के आलू काट लिए हैं, लगभग 300 ग्राम मटर भी ऐड कर लेंगे। तो हमने एक मीडियम साइज की प्याज को बारीक कट कर लिया है, और टमाटर भी 2 मीडियम साइज के कट कर लिया है। हमने आधी कटोरी बड़ी ले लिया है, और 1 कटोरी हमने मटर ले लिया है, 1 कटोरी मटर ले लिया। अब हम मसाले की तरफ आते हैं। हम 1 मीडियम साइज का प्याज ऐड कर लेंगे, और हम 8 से 2 इंच का टुकड़ा अदरक का ले लेंगे, 8 से 10 जवा लहसुन का ले लेंगे, 7 से 8 मिर्च ले लेंगे, मिर्च अपने हिसाब से ले सकते हैं। धनिया पत्ती हम ऐड कर लेंगे, 1/2 टेबल स्पून काली मिर्च ले लेंगे, 1/2 टेबल स्पून जीरा ले लेंगे, और फाइन पेस्ट बना लेंगे। अब हम गैस को पतीली पे रख लेते हैं। अब हमारी पतीली गर्म हो गई है। अब हम सरसों का तेल पतीली में डाल देंगे। आप कोई भी तेल ले सकते हैं, हम ज़्यादातर सरसों का तेल ही लेते हैं। अब हम अपने तेल को गरम पर रख देंगे, जब तक भाप ना निकलने पाए। अब हम मेथी डाल देंगे। आप अगर मेथी डालना हो तो डाल सकते हैं, नहीं स्किप भी कर सकते हैं। हाँ, हमें अच्छा लगता है इसलिए हम सर्दियों के मौसम में डाल देते हैं। 2 तेज़पत्ता भी ऐड कर देंगे, या थोड़ा देर उसको होने देंगे। उसके बाद हम अपने आलूओं को डाल देंगे, अच्छे से फ्राई करेंगे। हमें ज़्यादा फ्राई नहीं करना है, हल्का सा कलर चेंज हो जाए बस आलू का। हम आलू अब हम चलाते रहेंगे, बीच बीच में चलाते रहेंगे, ताकि हमारा आलू अच्छे से हो जाए, जब कलर चेंज हो जाए तो हमारे आलू अच्छे से हो गया। बस थोड़ा सा ही 10% हो जाए तो हम प्याज, इसी स्टेप पे प्याज ऐड कर देंगे। प्याज को भी होने देंगे मुलायम सा, प्याज थोड़ा सॉफ्ट हो कर लेंगे, ज़्यादा गोल्डन नहीं करेंगे, थोड़ा सॉफ्ट ही रहने देंगे प्याज को। प्याज हमारी हो रही है, इसी स्टेप में हम कलछुल चलाते रहेंगे, ताकि हमारा कुछ लगने ना पाए। हम अपनी बरी को भी ऐड कर लेंगे, उसको भी चलाते रहेंगे, थोड़ा सा बरी भी होने देंगे सुनहरा, हमारे इससे आलू भी पक जाएंगे और बरी भी हो जाएगी। बरी हमारी हल्का कलर चेंज हो गया है। इसी स्टेप में हम मटर डाल देंगे, 1 कटोरी मटर डाल देंगे, इसको भी चलाते रहेंगे। 10% हम मटर को भी पका देंगे, ताकि थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए। वैसे हम बाद में पकाएंगे, लेकिन अभी भी हम थोड़ा थोड़ा भून देंगे इसको डाल के। हमारी मटर हो रही है, हम टमाटर भी ऐड कर देंगे। 2 मीडियम साइज़ के टमाटर हमने कट करके रख लिया था, उसको भी ऐड कर देंगे, और टमाटर को भी पकाएंगे। इतना पकाएंगे कि हमारा टमाटर 50% हो जाए। बीच बीच में चलाते रहेंगे। टमाटर हमारा हो रहा है, हम नमक ऐड कर 2 टेबल स्पून नमक ऐड कर देंगे। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड कर सकते हैं। हमारा टमाटर गल रहा है, 50% हो जाए। फिर इसके बाद हम अपने फाइन पेस्ट में मसालों को भी ऐड कर देंगे। मसाले को ऐड कर देंगे, मसाले को भी भूनते रहेंगे अच्छी तरीके से। हम अपने मसाले को भूनेंगे, सब मिला के अच्छी तरह से हम पका लेंगे।
बीच में हम चलाते रहेंगे। और धनिया पाउडर भी एक टेबल स्पून ऐड कर देंगे। अच्छी खासी हल्दी पाउडर ऐड कर देंगे हम। थोड़ा ज़्यादा ही में हल्दी ऐड करेंगे क्योंकि हमारे तहरी के कलर भी हल्दी के अकॉर्डिंग आना ही चाहिए। तहरी में ज़्यादा ही हल्दी यूज़ करते हैं। हमारा मसाला अच्छे से पक रहा है। जब हमारा मसाला तेल को छोड़ दे तो मसाला हो जाता है। अच्छे से बीच बीच में चलाते रहेंगे ताकि हमारा मसाला अच्छे से हो जाए। हम मसाले ने तेल को छोड़ दिया है। हमारा मसाला अच्छे से हो गया है एकदम, आप देख सकते हो। इसी स्टेप में हम चावल भी ऐड कर देंगे। चावल को ऐड कर देंगे। चावल को भी मसाले अच्छी तरह से मिला लेंगे। अच्छी तरह से मिला लेंगे और चावल को हम भूनते रहेंगे। अच्छे से हम चावल को भूनेंगे। एकदम पानी सब सूख जाना चाहिए। इतना हम चावल को भूनेंगे जब तक हमारा चावल पतीली में लगने ना पाए। हम इतना भूनेंगे चावल पतीली में लगने लगता है तो फिर हमारा चावल हो जाता है। इसी स्टेप में हम 3 गिलास तक चावल लिया था और हम 4 गिलास पानी भी ऐड कर देंगे। 1 गिलास ज़्यादा हमने पानी ले लिया है। अब पानी ले लिया। अब हमारा बॉयल होने लगे तो हमने कुकर को बंद कर देंगे और 2 से 3 सीटी आने देंगे। 5 से 7 मिनट तक हमारे 2 से 3 सीटी आई। अब खोलेंगे, हमारी तहरी रेडी हो गई है। आप देख सकते हैं हमारी तहरी रेडी हो गई है। वीडियो अच्छी लगे तो